ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि संसार उनका होता है जो इसे फलदार वृक्ष समझकर जोर से हिलाते हैं और इसके फलों का आनंद लेते हैं, लेकिन इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं लेकिन शिव की तरह हलाहल पीते हैं, अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीते हैं। जो खुद के लिए जीता है उसका मरण होता है, लेकिन जो औरों के लिए जीता है उनका सदा सदा स्मरण होता है। और ऐसे लोग लाखों में कोई एक होते हैं जो सचमुच जन कल्याण के लिए जीते हैं, अपना सर्वस्व सबके कल्याण के लिए अर्पित कर देते हैं। ऐसे ही थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी जी। आदरणीय निर्मला दीदी जी का जन्म 29 फरवरी 1928 में उत्तर प्रदेश में हुआ। दीदी बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी थीं। उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। दीदी बहुत फैशनेबल भी थीं। 1953 में 25 वर्ष की उम्र में भ्राता विजय शंकर सिंघल जी, जो एयरफोर्स में ऑफिसर थे, उनसे आपका विवाह हुआ। विवाह के 2 वर्ष पश्चात 1955 में वह सुहानी घड़ी भी आ गई जब भगवान की नजर कानपुर के इस भाग्यशाली युगल पर पड़ी। 1955 में जब निर्मला दीदी गर्भावस्था में थे तब उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान मिलाने के निमित्त उनके ही लौकिक बड़े भाई भ्राता रमेश चंद गुप्ता जी रहे। गुप्ता जी का उदाहरण कई बार साकार मुरली में बाबा बनारस के गुप्ता जी के नाम से देते हैं। ज्ञान में आने से कुछ माह पूर्व गर्भावस्था में जब दीदी मद्रास से कानपुर ट्रेन में आ रहे थे तब उन्हें एक साक्षात्कार हुआ कि कमल के पुष्प पर विराजमान सफेद वस्त्रधारी देवी उन्हें कह रही हैं कि बहुत जल्द मैं आपके पास आ रही हूं। यह दृश्य दीदी के लिए बहुत सुखदाई था। 1955 में अगस्त मास में भ्राता विजय शंकर जी और निर्मला दीदी जी ने कानपुर के सेंटर पर जाकर परम आदरणीय गंगे दादी जी से ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया। निर्मला दीदी और भाई साहब के साथ हमारी प्यारी पूनम दीदी ने भी जन्म से पूर्व अभिमन्यु की तरह इस ज्ञान को सुना। 1 अक्टूबर 1955 में पूनम दीदी का जन्म हुआ। जब पूनम दीदी 2 माह के हुए तब साकार बाबा ने गंगे दादी को पत्र भेजकर निर्मला दीदी के परिवार को मधुबन आने का निमंत्रण दिया। तो इस तरह पूनम दीदी 2 माह के हुए तब साकार बाबा से प्रथम मुलाकात हुई। प्रथम मुलाकात में ही बाबा ने पूनम दीदी को अपनी गोद में ले लिया और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देने के साथ साथ बाबा ने निर्मला दीदी को कहा कि यह बच्ची तो अभिमन्यु है, इसका ख्याल तो बाबा रखेगा, आप लोग ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। पूनम दीदी को देखकर बाबा को ख्याल आया कि कानपुर में बाल भवन होना चाहिए जिससे जो छोटे बच्चे हैं वो बाल भवन में रहें और उनके माता पिता ईश्वरीय सेवा में लग जाएं। जब पूनम दीदी 2 महीने के थे तो बाबा के कहते ही निर्मला दीदी ने ईश्वरीय सेवा करना प्रारंभ कर दिया। और जब पूनम दीदी 2 साल के हुए और बाल भवन खुला तो सन 1957 में निर्मला दीदी ने पूनम दीदी को बाल भवन में रखा और स्वयं नष्टो मोहा बन ईश्वरीय सेवाओं में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। दीदी के समर्पित होने के पश्चात बाबा ने ईश्वरीय सेवार्थ निर्मला दीदी को फजिल्का, कानपुर, बनारस, हरिद्वार ऐसे अनेक स्थानों पर भेजा। फिर 1965 में ब्रह्मा बाबा ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में भेजा। बाबा के प्यार में समाई
अथक सेवाधारी आदरणीय निर्मला दीदी ने राजस्थान की मरुभूमि को फूलों की बगिया बना दिया। दीदी जी की बगिया का सबसे सुंदर पुष्प खिला उनकी ही लौकिक पुत्री राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी के रूप में। यही नहीं, दीदी जी के अंग संग रहने वाली निर्मला दीदी, फूल दीदी, शील दीदी, सुशीला दीदी एवं अन्य सभी अथक सेवाधारी ब्रह्मा कुमारी बहने जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दीदी जी की पालना ली, जो कि आपके ही बगिया के सबसे सुगंधित पुष्पों का गुलदस्ता है, आज आपकी 13वीं पुण्य स्मृति दिवस पर ये सभी तथा जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, पाली, झुंझुनू एवं दीदी जी की प्रेरणा से संचालित सभी सेवा स्थानों के ब्रह्मावत्सों सहित मधुबन और समस्त अखिल ब्राह्मण परिवार अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है तथा आपके बेहद त्याग, तपस्या और सेवाओं को बारंबार नमन करता है, नमन करता है, नमन करता है। रेगिस्तान जहां केवल रेत ही रेत, वहां दीदी ने ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार करके इस बंजर भूमि को भी हरा भरा कर दिया। जब दीदी ने सेवाओं की शुरुआत की थी तो हैंड्स भी नहीं थे, केवल शिव बाबा, निर्मला दीदी और बस 10 साल की छोटी बच्ची पूनम दीदी। इन तीनों ने मिलकर खूब सारे हैंड्स निकाले। समय बीतता गया और सेवाओं में वृद्धि होती गई। प्यारे ब्रह्मा बाबा का दीदी से बहुत स्नेह था, इसीलिए समय प्रति समय बाबा पत्र लिखकर दीदी से हालचाल और सेवा समाचार पूछा करते थे। इस तरह सेवाओं की धूम मचा के, जन जन को ईश्वरीय पैगाम देकर, अपने तन मन धन को ईश्वरीय सेवाओं में सफल कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हुए राजा पार्क की फुलवारी को अपने पैरों पर खड़ा कर 25 फरवरी 2009 को आदरणीय दीदी ने अपने पुराने शरीर को छोड़ अव्यक्त फरिश्ता बन अव्यक्त बाप दादा की गोद ली। राजस्थान, जिसे भगवान भी राजाओं का स्थान कहते हैं, ऐसे स्थान पर हमारी महारानी निर्मला दीदी ने कोने कोने में ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार किया और अलौकिक राजकुमारियों को भी जन्म दिया। आज वही राजकुमारियां महारानी बन उन जिलों में ज्ञान का परचम फहराकर दीदी और बाबा का नाम रोशन कर रही हैं। उदाहरण के लिए जयपुर में पूनम दीदी, जोधपुर में फूल दीदी, शील दीदी, अलवर में सुशीला दीदी, उदयपुर में रीता दीदी, बाड़मेर में बबीता दीदी, ऐसी अनेक रानियों को दीदी ने अलौकिक जन्म और पालना दी। तो आइए इनके ही श्रीमुख से सुनते हैं निर्मला दीदी के साथ के सुनहरे पलों का अनुभव। ओम शांति। मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने इनकी महान आत्माओं से अलौकिक जन्म लिया, अलौकिक पालना ली और जन्म जन्म मुझे पूरी आशा है इनके साथ ही मेरे जीवन पूरे कल्प में निकलेंगे। मैंने बड़ी दीदी के सबसे बड़ा गुण देखा, बाबा के बताए हुए श्रीमत ज्ञान योग सेवा धारणा में इतनी परफेक्ट, अमृत वेला उनका कभी मिस नहीं होता था।
डॉक्टर कहता था इनकी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा इनको रेस्ट करने दो, तो भी नहीं, मैं अमृत वेला जरूर करूंगी। जाते समय एक मुझे अनुभव होता है कि वो वरदान के रूप में मुझे ये वरदान दे गई। उनके बाद अमृत वेला उसी प्रकार शुरू हो गया और मैं तो अपने जीवन में इनके वरदानों से ही चली हूँ। इन्होंने मुझे अपने जीवन के अंदर हर बात में निपुण किया। मैं बहुत छोटी थी जब इनके संपर्क में आई थी। मुझे इन्होंने पाक कला, बोलने की कला, क्लास कराने की कला, कोर्स कराने की, जो भी है एक ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या होता है, इन्होंने मेरे को एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनाया। लव और राम इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो कभी भी गलती को देख करके इग्नोर नहीं करती थी, शिक्षा भी देती थी, प्यार भी करती थी और शिक्षा देकर के उनको बार बार देखती थी, चेक करती थी कि जीवन में उतारी है, सुनी अनसुनी तो नहीं की, जिसके कारण कोई भी कार्य भी था वो बार बार उस कार्य को भी बहुत ध्यान से देखती थी कि हो रहा है या नहीं, अगर कोई गलती भी होती उसको ठीक कराती थी। हर बात के अंदर उन्होंने हमें फंक्शन कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, स्टूडेंट से कैसे व्यवहार करना है, लव और ला का बैलेंस कैसे रखना है, न्यारे प्यारे कैसे रहना है, ये हमने दीदी से बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सीखा, क्योंकि हमारी दीदी जो थी वो सब कुछ करते हुए भी बिल्कुल न्यारी रहती थी। जो उनको उनकी गॉडली गिफ्ट थी जिसमें कि उनको ऊपर से ही बाबा चप्पड़ फाड़ के देता रहता था। हमारी बड़ी दादी प्रकाश मुनि जी से तो इनको इतना अटूट प्यार था, जो कोई भी कार्य होता दादी कहती पर निर्मला को बोल दे, उनको बड़ी निर्मला कहते थे, मुझे छोटी निर्मला कहते थे, कुमारी निर्मला कहते थे, और वो बड़ी दीदी थी। इनके साथ साथ मैं पूनम दीदी के साथ तो बिल्कुल एक एक ये कहीं छोटी बड़ी बहन की तरह रहते थे, सखी बन के रहते थे। इनसे भी मैंने बहुत शिक्षाएं दी, क्योंकि इनके अंदर दोनों दीदियों में स्नेह सहयोग तो कूट कूट के भरा हुआ था, लव और ला का बैलेंस पूरा था, जिसके कारण आज हम इतने परफेक्ट हुए हैं जो आप सबके सामने हैं। विश्वास के लिए तो आपने मेरा जनवरी मास में अनुभव सुना होगा कि कोई भी कार्य होता दीदी सबसे पहले मुझे याद करती, चाहे मैं कितनी भी दूर बैठी जयपुर में जैसे शहर में बैठ करके भी दीदी कहती निर्मला तुम आओ, जहाँ भी कौन में भी रही तो दीदी कहती थी निर्मला तुम अभी आओ, क्योंकि उनको इतना विश्वास था, उनकी तबीयत खराब होती थी, कैसी भी होती निर्मला तुम आओ और आ करके जो है और सेवाओं के लिए नहीं कि तुम आ करके सहयोग करो, सेवाएं करो। मुझे मुझे इस प्रकार के अनुभव कराए उन्होंने, आगे बढ़ाया, उसके लिए मैं अपने दिल से दीदी को अभी भी याद करती हूँ। जब उनके 25 फरवरी आती है, फरवरी मास लगते मुझे दीदी बार बार याद आती है, जिसके लिए मैं दीदी को बहुत दिल से प्यार करती हूँ। ऐसी हमारी दीदी को मैं आज के दिन बहुत बहुत दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी निर्मला दीदी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर कुछ स्मृतियों का मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ स्मृतियाँ दीदी जी के जीवन से हमने बचपन से ही जो सीखी उसमें विशेष हमने दीदी जी में ये विशेषता देखी, ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित करने का उमंग उत्साह और हिम्मत देखने को मिली, कि लौकिक परिवार को कैसे निर्बंधन बनाकर और लौकिक बच्ची को बाल भवन में रखकर अपने आप को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। ऐसी बाबा की बच्ची जिन्हें हम त्याग, तपस्या और पवित्रता का एक प्रतीक मान करके हमेशा अपने सामने स्मृति में रखते हैं, और साथ साथ उनकी पवित्रता जिसका हम बड़ों के द्वारा भी
हमेशा महिमा सुनते थे। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी, दादी जी कहती थी कि कैसे दीदी हर कर्म के अंदर कितनी स्वच्छता, सच्चाई, सफाई से चलती हैं। हिसाब किताब पोता मेल के अंदर भी वो हमें यही सिखाती थी कि बाबा के साथ जितना हम सच्चे होकर के रहेंगे उतना बाबा का भंडारा भरपूर रहेगा और जीवन निर्विघ्न बन करके सदा चलता रहेगा। तो एक नामी इकोनॉमी सदा दोनों विशेषताएं उनके जीवन के अंदर हमने पाई, हमने देखी कैसे थोड़े में ही अधिक कार्य करने वाली, कभी कोई हमारी लापरवाही से हम किसी तरफ या किसी चीज पे ध्यान नहीं देते थे और हम कहते थे क्या हो गया दूसरा लेके आएंगे, तो वो कहते थे कि धन के द्वारा इसी धन को हम दूसरे कार्य में लगाकर क्यों नहीं बाबा के दो कार्य करें, एक ही कार्य के लिए हम ये संकल्प में अपने आप को क्यों फ्री छोड़ते हैं। तो इतनी दूरंदेशी, इतना व्यवस्था को हर चीज पर वो ध्यान देती थी कैसे बच्चियों का जीवन, क्योंकि हम बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आए तो वो हमको ईश्वरीय सेवा में उन्होंने आगे बढ़ने का चांस दिया। तो दूर बैठते हुए भी वो हमारे पास क्या है क्या नहीं है उसका पत्र के द्वारा वो समाचार लेती देती रहती थी। उनको सेवा का इतना उमंग था कि राजस्थान के बड़े बड़े जो भी स्थान है राजस्थान जोन में उन्होंने बड़े बड़े जिलों को कवर किया, और न सिर्फ कवर किया लेकिन उसका दूर बैठे हुए व्यवस्था का भी वो ध्यान रखती थी। हर एक अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े, तो लव और ला का बैलेंस रख करके हमें सदा वो प्रेरणा देती रही। बाहरी रूप से हम छोटे थे, हमारी समझ छोटी थी, तो कहते थे दीदी स्टिक हैं, लेकिन आज हम समझते हैं कि उनकी उस स्टिकनेस में ही हमारे जीवन की कितनी बड़ी सेफ्टी थी। तो कर्म की गति को जानते हुए उन्होंने किस तरह हर बहन को एक अच्छी दिशा दी, आने वालों का भी वो इतना ध्यान रखती थी कि कोई भी आए तो भोजन खाकर मधुबन के सेवादारी चाहे बड़े उनके अनुसार उनको भोजन में भी तृप्ति हो। अब कितना भी बड़ा कारोबार हो लेकिन स्वच्छता व्यवस्था पर भी वो पूरा ध्यान देती थी। और आज हम उस चीज को समझते हैं कि जितनी व्यवस्थाएं अच्छी हैं अवस्थाओं का भी उससे बहुत गहरा संबंध है। तो अवस्था भी अच्छी और व्यवस्था भी अच्छी जिससे आने वाले बाबा के घर से एक अच्छी अनुभूति करके जाए, ऐसा विशेषताएं हमने दीदी जी के जीवन के अंदर देखा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो एक दक्ष से बाबा पर समर्पित हुई और अपने संबंध को भी समर्पित किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, ऐसी दीदी जी जहां भी एडवांस पार्टी में गई हैं बाबा की राइट हैंड बनकर अपनी ईश्वरीय सेवाओं को बढ़ा रही हैं, और उनकी शुभकामनाएं आज राजा पर जोन को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये तो हम कहते हैं उनकी ही तपस्या का हमें फल मिल रहा है, और हम उनकी छत्र छाया में रहे। हम अपनी तरफ से निर्मला दी जी की पुण्य स्मृति पर बहुत बहुत बाबा को भी उस आत्मा को भी सदा दिल से थैंक्स देते हैं, शुक्रिया देते हैं कि उनकी छत्र छाया और बाबा की छत्र छाया हम सभी बहनों को मिली। खुद इतने योग्य होते हुए भी वो अपने को सदा पीछे रखकर कैसे हम बहनों को आगे बढ़ाती रही, ऐसी दीदी जी को हमारी इस पुण्य स्मृति पर शत शत नमन। ओम ओम शांति। आज विशेष
निमला दीदी जी के स्मृति दिवस निमित्त कुछ स्मृतियाँ याद आ रही है। दीदी के पास मैं छोटी उम्र में आई और बहुत कुछ सीखने को मिला। दीदी ने सबसे पहले मुरली पढ़ना सिखाया, मुरली से प्यार सिखाया। दीदी कहती कम से कम 5-6 बार दिन में मुरली पढ़ो तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी और उससे मुरली में बहुत शक्ति आ गई। फिर भोजन बनाने से लेके ज्ञान सुनाने तक सभी चीजें दीदी ने बहुत प्यार से सिखाई। मैं लोगों के सामने जाने में डरती थी। दीदी ने कहा आप सुनाओ, आप में बहुत शक्ति, आप सुना सकते हो। और धीरे धीरे वो वचन साकार हुए, शक्ति बढ़ती चली गई। अलवर भेजा तो भी प्रेरित किया कि आप संभाल सकते हो, बहुत अच्छी सेवा का स्वरूप है। और यहाँ आने के बाद भी दीदी बार बार कहती थी आप गांव गांव में सेवा करो, आपको सेवाधारी भी मिलेंगे, सेवा में सफलता भी मिलेगी। तो ऐसे हमारी मीठी प्यारी नीला दीदी ने इस जीवन में बहुत गुण और विशेषताएं भरी, उनकी बहुत दुआ और आशीर्वाद मिला जिससे हमारा ये जीवन बहुत ही निर्विघ्न और सफल चल रहा है। ओम शांति। आज हम को अलौकिक जन्म देने वाली अलौकिक माँ का स्मृति दिवस, हमें बहुत बहुत उनकी यादें दिला रहा है। मैं तो अपने जीवन को यही समझती हूँ कि मैं इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में आई और उसका सारा श्रेय मैं हमारी अलौकिक माँ आदरणीय निर्मला दीदी जी को ही देती हूँ, क्योंकि मुझे समर्पित होने में, सेंटर पर रहने में थोड़ा भय लगता था, कैसे इस जीवन के अंदर हम रहेंगे। आदरणीय दीदी जी ने ही मेरे अंदर बल भरा और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मेरे दिल को छू गई। वो बात दीदी जी ने कहा, देखो शील, अगर उस दुनिया में जाते हैं तो भी सहन करना पड़ता है, और अगर ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं, ब्रह्मा कुमारी लाइफ में आते हैं, तो भी कई बातें सामने आएंगी, बहुत सहन करना पड़ेगा यहाँ पर भी, लेकिन वहाँ सहन करने में भाग्य नहीं बनता, और यहाँ सहन करेंगे भगवान के सदके तो हमारा बहुत बहुत भाग्य बन जाता है। तो उनकी ये बात दिल को बहुत छू गई और मैं बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गई। निर्मला दीदी जी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी, वो बहुत सफाई पसंद थी और सेंटर को बिल्कुल टिप टॉप रखना, सेंटर की एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से रखना, अवेयर करना, उसकी संभाल करना, ये संस्कार दीदी जी में बहुत था जो उन्होंने हमारे अंदर भी भरा। तो आज भले वो स्थूल रूप में हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में उनकी छत्र छाया हम सबके ऊपर है। ओम शांति। ओम शांति। आज हम अपनी प्यारी निर्मला दीदी को बहुत प्यार से सभी याद कर रहे हैं। उस ममता में माँ ने हमको बचपन से संवारा, संभाला और पढ़ाया, शिक्षिका के रूप में भी पढ़ाया तो माँ बन करके पालना भी दी, मेरे जीवन को संवारा और साथ में शिक्षाएं भरी, इतना हमको पालना दे करके बड़ा किया जो हमें ऑलराउंडर बनने की उन्होंने प्रेरणा दी। और दीदी मुझे ऑलराउंडर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, इसलिए दीदी को कोई भी छोटी सी कमी भी मेरी पसंद नहीं आती थी।
और दीदी हमेशा कहती थी कि तुम्हें ऑलराउंडर बनना है, कि दीदी माँ के रूप में थी, सखा के रूप में थी, सखी के रूप में। दीदी हमसे इतना हल्के होकर के बात करती थी कि हम अपने सब दिल की बात दीदी को बताते थे। तो दीदी का ये गुण था कि हर बात में हमें दीदी समझाती, सिखाती, जो माँ बन करके पालना भी देती। एक सतगुरु माँ, गुरु माँ के रूप में हमारी गलतियों को क्षमा करके दी, और वो हमसे आशीर्वाद के रूप में हमसे अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़ा काम करवा देती थी। तो मैं शॉर्ट में इतना कहूंगी कि दीदी हमारी माँ थी, हमारी जान थी, प्राण थी, और साथ में राजस्थान के आन मान शान थी और बाप समान थी। दीदी की पालना को हम कभी नहीं भुला पाएंगे कि दीदी ने हमको कैसे पालना दी। दीदी की पालना ने ही हमको बचपन से लेकर बड़े तक शक्तिशाली। तो दीदी को आज हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी की पुण्यतिथि पर दीदी की जितनी भी महिमा करे उतना कम है। दीदी जी ने त्याग और तप के आधार से जिस समय सेवा करना बहुत मुश्किल होता था, सेंटर खोलना मुश्किल होता था, उस समय इतने बड़े बड़े शहरों के अंदर केंद्र खोले। जैसे एक माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे जिम्मेवार बने, श्रेष्ठ बने, नाम ऊंचा करें, दीदी ने भी अपनी छोटी छोटी कन्याओं को उनकी विशेषताओं को देखते हुए उनके ऊपर विश्वास रख करके हर एक को जिम्मेवारी दी, अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना सिखाया, लव और ला का बैलेंस रखना सिखाया। तो आज दीदी जी की पुण्य तिथि पर मैं दिल से दीदी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हम सबकी बहन अति सम्मानीय दीदी जी को याद करते हुए मन नतमस्तक हो रहा है। वो ऐसी महान व्यक्ति है हमारे यज्ञ की, जो आदि काल से जब यज्ञ की सेवा शुरू हुई उसी समय उस सेवा के निमित्त बनी। ऐसी महान हस्ती है जो सेवा के फिर में छुपी सी नन्ही सी बच्ची को गोदी में लेकर के सेवा में चल पड़ी और उन्होंने अलख जगाया और रुकी नहीं, आगे बढ़ती रही, बढ़ती रही, खूब सेवाएं किया। आज हमारे जैसी अनेक ब्रह्मा कुमारियों की स्नेहमयी माँ बन के पालना किया प्यारी दीदी जी ने। हजारों हजारों लोगों को एक स्नेही माँ, एक आदर्श शिक्षिका के रूप में ज्ञान योग की पालना लेकर के अनेकों का जीवन श्रेष्ठ बनाया। प्यारी दीदी जी को सभी की तरफ से शत शत नमन। ओम शांति। सचमुच धन्य धन्य अनुभव कर रहे हैं हम आदरणीय निर्मला दीदी जी के सुंदर जीवन वृतांत को सुनकर, उनके श्रेष्ठ कृतित्व को सुनकर प्रेरित हो रहे हैं कि हम भी ऐसे ही अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाएं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में आना भाग्य की बात है, जीवन से चले जाना समय की बात है, लेकिन जाने के बाद भी लोगों के दिलों में अमर रहना श्रेष्ठ कर्मों की बात है। सचमुच अपने श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से दीदी आज लाखों लोगों के हृदय में जीवित हैं, उन्हें प्रेरित कर रही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। वो उस खुशबू की तरह हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन हमारे आसपास हैं, हमें सुवासित कर रही हैं, हमारे जीवन को सुगंधित करके औरों के जीवन को सुगंधित करने की हमें प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। तो ऐसी सबको प्रेरित करने वाली, ऐसी सबका मार्गदर्शन करने वाली, ऐसी सबकी सुंदर पालना करके उन्हें योग्य बनाने वाली आदरणीय दीदी को उनके स्मृति दिवस पर हम सभी ब्रह्मावत्स शत शत नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। इस संसार में लाखों मनुष्य आत्माएं हैं जिनके नाम के अर्थ बड़े ही श्रेष्ठ हैं, किंतु कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं
जो अपने नाम को चरितार्थ कर सारे विश्व के आगे प्रेरणा स्रोत बनते हैं। उन्हीं में श्रेष्ठ गुणों से संपन्न राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी जी। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। आपकी शीशाएं और पालना बार बार स्मरण करते हैं। निर्मल निश्चल निर्मला दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। बाबा ने आपको भेजा जब सेवा में जयपुर, बाबा ने आपको भेजा जब सेवा में जयपुर। त्याग और तपस्या संग सेवाएं की भरपूर, बेहद के वैराग्य की प्रेरणा आज भी सभी पाते रहते हैं। आपकी शिक्षाएं और पालना बार बार स्मरण करते हैं। ते
मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना।